नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना सोनी वंदनाज किचन में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने छेने के रसगुल्ले बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत आसान है। आप आराम से इसको घर पे बना सकते हैं, घर पे ही दोस्तों। इतना ही टेस्टी और सॉफ्ट और स्पंजी रसगुल्ला बनता है। देख लीजिए, मैंने इसमें 1 लीटर दूध लिया है, ये फुल क्रीम दूध है। ये 1 कटोरी मैंने चीनी ली है, ये 2 टेबल स्पून मैंने नींबू का रस लिया है, और ये 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। अब हम सबसे पहले दूध को गर्म करते हैं, क्योंकि छेने के रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हम छेना बनाएंगे। तो दूध को बॉईल करने रख देते हैं, फिर हम इसका छेना बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध बॉईल हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, फिर हम इसको फाड़ेंगे। तब तक हमने, ये देखिए, 2 चम्मच नींबू का रस लिया है। हम इसमें 2 चम्मच ही पानी मिला लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अब हम इसको फाड़ेंगे। अब हमने जो ये नींबू और पानी मिक्स किया है, हम इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको धीरे धीरे मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध फटना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, आप इसको धीरे धीरे हिलाते रहिए, जब तक ये पूरा पानी अलग ना हो जाए छेने में से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा छेना अलग हो गया है, पानी अलग हो गया है। अब हम इसको एक कपड़े में छान लेते हैं। ये देखिए, मैंने एक बर्तन ले लिया, उसमें इस तरह से छलनी लगा लीजिए। हमने ये रुमाल ले लिया है, आप भी कोई साफ़ सूती कपड़ा इसमें इस तरह से बिछा के, और मैं इसमें अपना छेना निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा छेना बन गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालती हूँ, ताकि हमने जो इसमें नींबू डाला था उसका टेस्ट भी हट जाएगा। नींबू से जो खट्टापन आया है उसको भी हम इससे साफ़ पानी से धो देंगे इस तरह से, और हमारा छेना ठंडा भी हो जाएगा, जिससे हम इसे मैंने इसको 2 से 3 बार अच्छे साफ पानी से धो लिया है। अब मैं इसको अच्छे से निचोड़ूंगी, इसको जो भी पानी होगा हम इसको, ये देखिए, इस तरह से इसको दबा दबा के। दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे, आपको अच्छे से निचोड़ना है। आप चाहें तो इसको किसी से लटका के भी रख सकते हैं, ताकि इसमें से जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो धीरे धीरे निकलता रहे। कि फ्रेंड्स, हमारा छेना इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसको लगभग 15 से 20 मिनट तक, आपको क्या करना है, ये आप इस हथेली की मदद से, या आप जैसे चाहें इस तरह से, हमें यूँ इस तरह से यूँ मलेंगे इसको। बिल्कुल सॉफ्ट और चिकना हो जाएगा ये, जैसे फटाफटा दिख रहा है, ये बिल्कुल भी फटाफटा नहीं रहेगा। हम इसको यूँ, ये देखिए, आप जैसा मन करें आपका वैसा करिए। ये देखिए, आप हथेलियों की मदद से इसमें ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको लगभग 10 से 12 मिनट अच्छे से मसला है, और हमारा ये बिल्कुल चिकना हो गया है।
अब हम एक बर्तन ले लिया है हमने, अब हम इसमें अपने रसगुल्ले पकाएंगे। ये भगोने में मैंने ये एक कटोरी चीनी डाली थी हमने, तो एक कटोरी चीनी ऐड कर देते हैं इसमें। और फ्रेंड्स ध्यान रहे, आप जो भी बर्तन ले रहे हैं जिससे आपने चीनी का नाप किया है उसी बर्तन से हमने ये 4 कटोरी पानी लिया है। अब हम इसको गैस पे चढ़ा देते हैं। इधर हमने अपनी चाशनी बनाने रख दी है, इधर हम इससे छेने से अपनी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। आपको ध्यान रखना है जो भी आप लोई बना रहे हैं, हमने गोले में हमारा क्रैक नहीं रहना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और पूरा क्रैक नहीं होना चाहिए। ये देखिए हम इसी तरह से अपने सारे गोले बना के तैयार कर लेंगे। छोटी छोटी लोइयां काटेंगे, आपको जितना बड़ा बनाना है आप उतना बड़ा बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी चाशनी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसी में उबलती हुई चाशनी में ही हमने ये अपने छेने के गोले बन के तैयार करे हैं, एक एक करके इसमें डाल देंगे। ध्यान रखें दोस्तों कि हमें ये तेज आँच में ही डालने हैं, आँच को हमें धीरा नहीं करना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपने सभी रसगुल्लों को डाल दिया है। अब हम इसको ढक के कवर कर देते हैं और लगभग इसे 15 से 20 मिनट तक हमें तेज आंच पे ही पकाना है। हमें इसे एक दो बार बीच में आप चेक कर सकते हैं, हमारी चाशनी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हम एक बार अपने रसगुल्ले चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये अच्छे से फूल गए हैं, साइज़ लगभग इनका डबल हो गया है। इसमें चाशनी गाढ़ी हो रही है, उसके लिए हम थोड़ा सा पानी लेंगे और उबलती ही चाशनी में धीरे धीरे डालेंगे ताकि इसका जो पानी का टेम्परेचर है वो ठंडा ना पड़े, हमें इसको गर्म ही रखना है। ये देखिए इस तरह से आप इसमें, आपको लग रहा है ज़्यादा है गाढ़ा तो आप इसमें और पानी डाल सकते हैं इसी तरह से दो दो एक बार। अब हम इसको थोड़ी देर 5 से 7 मिनट और पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए दोस्तों 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, हमारे रसगुल्ले अच्छे से पक गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, फिर हम इसको सर्विंग बाउल में निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे छेने के रसगुल्ले बनके रेडी हैं। मैंने इसको सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, ठंडा कर लिया है। मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए इसमें केसर और थोड़ा सा पिस्ता डाला है। खाने में बहुत टेस्टी है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, स्पंजी। ये देखिए आप भी ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगली रेसिपी में।